कि अगर यहाँ पे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो, हो सकता है वो पहले से माजी में अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हो लेकिन अभी क्लिक नहीं कर पा रहे, तो कितना उनके करियर पे इम्पैक्ट डाल सकती है ये चीज़? देखिए, मुझे लगता है इस एक टूर्नामेंट पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लास्ट 3 इयर्स 2 इयर्स को देखना चाहिए और आगे बहुत क्रिकेट आ रही है तो उसको भी देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए इसी टूर्नामेंट को हम उस पर बैठे कि हाँ यहाँ बंदा परफॉर्मेंस करेगा तो यहाँ सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। आप बंदे के पूरे ओवरऑल स्टेट्स को देखें और फिर उस पर सिलेक्शन होनी चाहिए। आपका वो एज रीजन नहीं आ रहा, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस टू हैव और आज भी कोई 32 रन पे आप आउट हो गए थे, क्या वजह बनी, क्यों चेंज नहीं हो पा रहा और क्या स्ट्रेटजी जिससे टीम आ रही है? यार तो मैं खुद भी खेल रहे हैं तो पिच को नहीं पड़ पाए या फिर कोई बात आ गई कि मैं पहले टॉस जीत रहा है वही एडवांटेज ले रहा है और अच्छा स्कोर भी बोर्ड पर लगा देता है फिर बाद में उसको डिफेंड कर देता है। कहाँ पर खामियां थी, किस डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है? सबसे देखिए, हामियाँ तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ बैटिंग में, क्योंकि आज हमने बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त किए, जिस तरह हमने 250 के अंदर मतलब 250 तक हमने उसको रियलाइज़ किया। दूसरा, हमने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन वही कि हम बैटिंग में कोलैप्स कर रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं ये क्रिकेट है होता है, लेकिन आप अगर हमारी टीम को ओवरऑल देख लें तो हमारे डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हमारे साथ है, जिस तरह हुरैरा हो गया, उमर अमीन हो गया, मैं हो गया हूँ, अहलाक भाई हो गया, तो सारे वनडे के स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन क्रिकेट है ये होता रहता है। अच्छा, फ्रांस साहब, जैसा कि इंटरनेशनल पेपर में कई चेंज आ चुके हैं, लोग वैसे निकलते हैं, सारा कुछ होता है, हमारी टीम जो है एक तो पहले अग्रेसिव खेलती नहीं है पहले 15 और उसके बाद फिर चेज भी नहीं होता, हम डरके खेलते, क्या वजूहत है? देखिए, अब डिमांड इस तरह विकेट की, तो देखिए जिस तरह विकेट की डिमांड है, जिस तरह सबके सामने आज बाबर भाई जिस तरह खेले, वो शुरू में आया कि उसने जिस तरह टाइम लिया तो बाद में उसने अपने जो बॉल्स थे उसको कवर कर लिया, तो अगर हम भी उसी तरह खेलते तो शायद रिजल्ट थोड़ा चेंज होता। सवाए नामर हक के और कोई ओपनर जो है वो इसमें क्लिक नहीं पा कर पा रहा, क्या वजह है? बैटिंग जो है वो या फिर आप सब ओपनर जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए अग्रेसिव खेलने के चक्कर में रहते हैं? नहीं इमाम, देखो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है वन डे इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी, तो खैर जिस तरह वो खेल रहे माशाल्लाह ज़बरदस्त खेल रहे, बाकी भी ओवरऑल ओपनर खेल रहे, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्रिकेट ए पार्ट ऑफ गेम है, किसी किसी के दिन होते हैं तो वो उसी को क्लिक कर लेते हैं। फरहान भाई, आपके भी डोमेस्टिक के अंदर आपने भी टॉप परफॉर्मर है, कामरान गुलाम भी यहाँ पे खेले, इन्हीं पिचेस के ऊपर उन्होंने 2 सेंचुरियाँ लगा दी, बाबर आजम ने भी सेंचुरी लगा दी, आप भी जो है इन्हीं पिचेस जो पाकिस्तान की पिचेस है डोमेस्टिक के अंदर आप टॉप परफॉर्मर रहे हैं, आपने बड़े रन यहाँ पे किए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक क्या समझते हैं कि पिच क्या डिफरेंट बिहेव कर रही है जिस वजह से जो है वो सेकंड इनिंग्स के अंदर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और आपकी जो इनिंग्स है वो लंबी नहीं जा रही? देखिए, विकेट बहुत ज़बरदस्त है सबके सामने, जिस तरह बॉल बल्ले पे आ रहा है, लेकिन गलती हम बैट्समैन खुद कर रहे हैं, जिस तरह परसों मैंने 50 के बाद खुद ही शॉट मार लिया तो वो मेरी गलती है, कल भी मैं टिक टॉक अकेला देने कल के मार लिया जो नहीं मारना चाहिए, तो बैट्समैन की भी गलती होती है। ऐसे एक तो मुझे बताइएगा, आज आपका गेम प्लान क्यों था, क्या ये जहन में था कि आप सेकंड इनिंग में खेलें, कोई उसके लिए स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और नेक्स्ट मैचेस के लिए आपकी और टीम की क्या फिर स्ट्रैटेजी होगी अगर दोबारा से ही ये सिचुएशन का सामना करना पड़े? देखिए, टॉस जीत के हम थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं ज़रूर, क्योंकि शुरू में विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो हम उस चीज़ का लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें मीरा हमजा है, फहीम अशरफ है, दोनों स्विंग बॉलर्स हैं, तो हम उसको देख के ना पहली बॉलिंग करते हैं, और नेक्स्ट जो आपने कहा नेक्स्ट मैच अभी प्लान नहीं किया, इंशाल्लाह जो प्लान करेंगे वो सेकेंड इनिंग्स में खास